दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका के आगे विराट कोहली जड़ने वाले थे शतक, लेकिन उनको रोकने के लिए 31वें ओवर में कुशल मेंडिस कप्तान ने किया उनके साथ मिलकर तगड़ा ड्रामा। गुस्से में कोहली कर देते हाथापाई, पत्नी अनुष्का देखकर भी घबराई। आखिर वजह क्या रही कि विराट कोहली ने ऐसा किया, वो तो आपको वीडियो में बताएंगे और साथ में इस पूरे ड्रामे का वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला इतना रोमांचक हो जाएगा कि शतकों की बारिश होती हुई नजर आएगी, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। दरअसल दोस्तों मैच की शुरुआत श्रीलंका कप्तान कुशल मेंडिस के टॉस जीतने के साथ हुई। यहाँ पर उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत तो कर दी थी। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि रोहित शर्मा अपने पसंदीदा क्रिकेट ग्राउंड पर 4 रन बनाकर ही आउट हो जाएंगे और दिलशान मधुशंका ने उनको अपने जाल में फंसाया, जिसके चलते यहाँ पर पहला बड़ा झटका भारत को 4 रन के कुल स्कोर पर लगा। तो वहीं रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली, जहाँ विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच अब पारी आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों लगातार श्रीलंकाई गेंदबाज दिलशान मधुशंका ने पूरी तरह से दबाव बना रखा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया और इस दौरान शुभमन गिल पहुंच गए 92 रन पर और विराट कोहली पहुंच गए अपने शतक के नजदीक। लेकिन दोस्तों इसी बीच शुभमन गिल को दिलशान मधुशंका ने 30वें ओवर की 6ठी गेंद पर फंसाया और कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा के उनका विकेट लिया और यहाँ पर 92 रन पर उनकी पारी समाप्त हुई। और शुभमन के आउट हो जाने के बाद फिर सुरेश अय्यर और विराट कोहली ने यहाँ पारी को संभाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने आज के इस मुकाबले में अपना शतक पूरा करके सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने से बस कुछ ही रन दूर थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली को 88 रन पर फिर से दिलशान मधुशंका ने चलता किया और यहाँ 3 बड़े विकेट दिलशान के नाम रहे और यहाँ भारतीय टीम के 2 बल्लेबाज जो कि शतक के नजदीक पहुंच गए थे लेकिन अपना शतक पूरा कर नहीं पाए। हालांकि दोस्तों विराट कोहली को आउट करने से पहले श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने एक चाल चली, उनको पता था कि अगर कोहली ने यहाँ शतक कर लिया तो वो 150-200 रन बनाने से चूकेंगे नहीं। और दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली को शतक से रोकने के लिए कुशल मेंडिस यहाँ पर काफी बड़ी हरकत करते हुए नजर आए, जिसके बाद मैदान पर एक तगड़ा ड्रामा सा ही छिड़ गया। जी दोस्तों यहाँ पर कुशल मेंडिस ने विराट कोहली के आउट होने से ठीक पहले यानी कि 29वें ओवर में ही विराट कोहली से जाकर बहस कर डाली। इस दौरान विराट कोहली भी उनकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, जैसे कि आप सभी यहाँ पर तस्वीरों में भी देख सकते हो। और विराट कोहली और कुशल मेंडिस के बीच इस बहस के चलते यहाँ पर विराट कोहली बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कुशल मेंडिस ने यह इशारा किया था कि विराट कोहली बड़े शॉट लगाकर क्यों ना अपना शतक पूरा करें और विराट कोहली उनकी बातों में फंस गए, जिसके चलते यह तगड़ा ड्रामा मैदान देखने के लिए मिला। और कोहली यहाँ जब क्रीज छोड़कर जा रहे थे तब वो काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए। बाकी दोस्तों आप सभी क्या मानते हैं कि विराट कोहली को कुशल मेंडिस की इन बातों पर रिएक्ट करने की जरूरत थी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।